कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। बात करेंगे आज किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है मेटल के मार्केट में, एलएमई एमसीएस के बाजार में कैसा कारोबार चल रहा है, दिल्ली का जो स्पॉट मार्केट है, जो फिजिकल बाजार है, यहाँ पर कैसी कीमतें चल रही हैं, आपको विस्तार से आज के कारोबार और ट्रेंड के बारे में खबरों बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मेटल के बाजार में गिरावट ही देखी जा रही है, एलएमई एमसीएस के मार्केट में गिरावट आई है, जो फिजिकल बाजार है यहाँ पर भी आपको नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजारों में आने वाले टाइम में आपको शॉर्ट कवरिंग बाजारों में थोड़ी बहुत आएगी, हल्का फुल्का सुधार आ सकता है, लेकिन बहुत अभी तेजी नहीं है। रेट के बारे में बात करते हैं। कॉपर में रेट एलमी में 9716 है, 851 रुपए एमसीएस का रेट, एल्यूमिनियम के बाजार में 2508 रुपए का रेट, एलमी में 232 रुपए 15 पैसे का रेट एमसीएस में चल रहा है, लेट के बाजार में 2172 रुपए का रेट, एलमी में 188 रुपए 15 पैसे कीमतें एमसीएस में चल रही हैं, जिंक के बाजार में 2840 रुपए का रेट चल रहा है, एलएमई में 258 रुपए 95 पैसे तक का रेट एमसीएस में है, सोने के बाजार में 2335 रुपए 90 पैसे तक की कीमतें चल रही हैं, कॉमेक्स में 71580 रुपए तक का रेट एमसीएस के बाजार में है, चांदी के मार्केट में 29 रुपए 50 पैसे तक का रेट चल रहा है, कॉमेक्स में 89069 रुपए तक का आप एमसीएस के बाजार में रेट देखकर चल सकते हैं, क्रूड ऑयल के मार्केट में 79 रुपए 60 पैसे तक का रेट कॉमेक्स में चल रहा है, 6693 रुपए तक का आप एमसीएस के बाजार में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के बाजार के बारे में बात करते हैं। फिजिकल बाजार है जो स्पॉट मार्केट है, यहाँ पर गिरावट है। कॉपर केबल स्क्रैप में रेट 856 है, कॉपर आर्मेचर का रेट 844 है, एल्यूमिनियम के बाजार में एल्यूमिनियम पुर्जे में कीमतें 184 हैं, एल्यूमिनियम बर्तन का रेट 185 है, जिंक के मार्केट में 268 रुपए तक का रेट देखा जा रहा है, लेड के बाजार में 189 रुपए तक की कीमतें हैं, एलआईबीटी में 207 रुपए तक का रेट बाजारों में आपको यहां से देखने को मिल सकता है, बैटरी स्क्रैप में जो आज कीमतें हैं वो 102/122 रुपए देखी जा रही है, निकल का रेट 1470 है, टिनागे में आज कीमतें 2810 है, पीतल का रेट 509 है, और एसएस बर्तन स्क्रैप में आप 64 रुपए तक का बाजारों में रेट देखकर चल सकते हैं। तो फिजिकल जो बाजार है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा मार्केट तेज नहीं है। अब इसके अलावा बात करेंगे कि क्या ट्रेडिंग रेंज चल रही है। तो बाजारों में कॉपर में गिरावट दर्ज करी गई है, पुराने कॉपर पीतल का बाजार जो है यहाँ पर नरमी आपको देखने को मिल सकती है, कॉपर के रेट में गिरावट को देखते हुए एक अच्छा सपोर्ट का लेवल अगर आप कॉपर में देखेंगे तो 838 रुपए का सपोर्ट एक अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 848 चल रहा है, लेड के बाजार में 188 रुपए का सपोर्ट का लेवल अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 190 रुपए है, जिंक के मार्केट में 264 रुपए का सपोर्ट का लेवल काफी अच्छा है, रेजिस्टेंस लेवल 272 है, निकल के मार्केट में 1450 रुपए का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल 1490 चल रहा है। ओवरऑल मार्केट में आज का जो ट्रेंड है वो निगेटिव ही है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। अब मार्केट में अगर आपको इसके अलावा भी जानना है कि किस तरह से कारोबार देखा जाएगा आने वाले दिनों में, मार्केट में क्या मार्केट प्रिडिक्शन रह सकता है, कैसा कारोबार और ट्रेंड आने वाले टाइम में रह सकता है, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:30 का लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बाजार खुलने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पूरे दिन कैसा कारोबार रहेगा मेटल के मार्केट में, आपको कैसा कारोबार करना चाहिए। तो आप पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पर कॉल करके हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।